दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर लव फॉर आर पर्पस पे अमेजिंग फैक्ट्स के अंतर्गत। आज हम देखेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। फैक्ट नंबर वन, सदियों पुराना विधान है भारतीय दंड संहिता IPC, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान 1860 में अधिनियमित किया गया था और यह दुनिया के सबसे पुराने आपराधिक कोडों में से एक है। फैक्ट नंबर टू, व्यापक कवरेज। IPC एक व्यापक आपराधिक संहिता है जो अपराधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती है, जिसमें राज्य, सार्वजनिक व्यवस्था, संपत्ति, नैतिकता और मानव जीवन के खिलाफ अपराध शामिल हैं। फैक्ट नंबर तीन, प्रभावशाली ढांचा। IPC पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार सहित कई अन्य देशों में आपराधिक संहिताओं के लिए एक मॉडल रहा है, जिन्होंने अपने सिद्धांतों के आधार पर इसी तरह के कानूनों को अपनाया है। फैक्ट नंबर चार, उभरते हुए संशोधन। पिछले कुछ वर्षों में बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को दर्शाने और उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए IPC में कई संशोधन हुए हैं। इन संशोधनों ने इसके मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए कोड को आधुनिक समय के अनुकूल बनाने में मदद की है। फैक्ट नंबर पाँच, पूरे भारत में एकरूपता। भारतीय दंड संहिता पूरे भारत में लागू है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपराधिक कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करता है। यह देश भर में निरंतरता बनाए रखने और न्याय को बढ़ावा देने में मदद करता है। फैक्ट नंबर सिक्स, सजा की गंभीरता। IPC विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्दिष्ट करता है, जिसमें जुर्माना, कारावास और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। यह संभावित अपराधियों को रोकने और पीड़ितों को न्याय की भावना प्रदान करने का प्रयास करता है। फैक्ट नंबर सात, लिंग विशिष्ट अपराध। भारतीय दंड संहिता कुछ ऐसे अपराधों को मान्यता देती है जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करते हैं, जैसे दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और बलात्कार। इन प्रावधानों का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। फैक्ट नंबर आठ, किशोरों के लिए प्रावधान। IPC में किशोरों, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों से निपटने के प्रावधान भी शामिल हैं। यह किशोर अपराधियों के लिए उनकी उम्र और सुधार की संभावना को देखते हुए सजा के बजाय पुनर्वास पर जोर देता है। फैक्ट नंबर नौ, सभी के लिए आवेदन। IPC सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, उनकी राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, जो भारत के क्षेत्र में अपराध करते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि किसी को भी उसकी पहचान के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। फैक्ट नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन। जबकि IPC भारतीय कानूनी परंपराओं में निहित है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सिद्धांतों को भी शामिल करता है। यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। तो ये थे भारतीय दंड संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मिलते हैं ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरपूर तथ्यों के साथ, लॉस के साथ, विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।